एवरीवन, तो गाइस कैसे हैं आप लोग। और आज बनाने जा रहे हैं हनी चिली स्माइलीज। अब ये कम्प्लीटली न्यू रेसिपी है क्योंकि मेरे माइंड में ये आइडिया आया है कि मतलब हम लोग हनी चिली पोटैटो भी बहुत पसंद करते हैं और स्माइलीज भी बहुत पसंद करते हैं, तो मैंने सोचा कि दोनों मिक्स कर दिया जाए, एक नई रेसिपी बनाई जाए। तो यहाँ से आइडिया आया, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्माइलीज बना लेते हैं। इसके लिए आपको लेने होंगे बॉइल्ड पोटैटोज, और बॉइल्ड पोटैटोज़ को ग्रेट कर लेना है। या हमने 9 से 10 बॉइल्ड पोटैटोज़ लिए थे और उनसे मेरे 17 स्माइलीज बन गए थे, तो आप अपने अकॉर्डिंग आलू कम ज़्यादा करके ले सकते हो। अब इस आलू में हमें मिक्स कर लेना है 2 to 3 टीस्पून ऑफ कॉर्नफ्लावर और 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स। ये घर के बने हैं तो मैं थोड़ा कम डाल रही हूँ, आप थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हो। और मिक्स्ड हर्ब्स 1/2 टीस्पून डाल सकते हो आप मिक्स्ड हर्ब्स अवॉइड भी कर सकते हो अगर आपको नहीं पसंद है। मिक्स्ड हर्ब्स की जगह ओरिगनो भी यूज़ किया जा सकता है। और इसे नीड करके एक डो तैयार कर लेना है हमें। तो अब डो हो गया है तैयार, तो अब हमें इसे किसी ग्लास कटोरी या फिर कुकी कटर की मदद से कट कर लेना है। और आपको यहाँ पे कॉर्नफ्लावर थोड़ा सा स्प्रिंकल कर लेना है रोलिंग सरफेस पे ताकि ये नीचे स्टिक ना हो। और इसे मीडियम थिकनेस का बेल लेना है। जब आप इसे फ्राई करेंगे तो ये थोड़ा राइज करेगा, तो आपको मीडियम थिकनेस रखनी है, बहुत कम भी नहीं करनी है और ज़्यादा भी नहीं रखनी है। तो हम इसके राउंडल्स कट कर लेते हैं। ओके, सो ये जो लेफ्ट ओवर रिमेन्स हैं इसको आप फिर से नीड करके दोबारा से और राउंडल्स कट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने भी इसी तरह से फॉलो किया था और 17 राउंडल्स बने थे। तो यहाँ मैं इसकी आईज़ बना रही हूँ, और आईज़ मैंने स्ट्रॉ से बनाई है और स्पून की मदद से मैंने इसकी स्माइल बनाई है बिल्कुल इस तरह से। आपको स्पून को प्रेस करना है और थोड़ा सा नीचे पुश करना है तो उसकी स्माइल आराम से बन जाएगी। भाइयों और बहनों, अगर आपके स्ट्रॉ में आलू फंस जाए तो आप उसे इस तरह से प्रेस करके बाहर निकाल सकते हैं। टडा, स्माइलीज रेडी है फ्राई करने के लिए। अब हम इन्हें मीडियम हाई फ्लेम पे गरम तेल में फ्राई कर लेंगे और एक किचन टॉवल या फिर किचन टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे। अब फटाफट से अपनी सॉस बना लेते हैं। इसके लिए यहाँ मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल लिया है, 1 टीस्पून फाइनली चॉप्ड गार्लिक और पेसन कट अनियंस और कैप्सिकम, और इसे मैं 30 सेकंड्स के लिए सॉटे कर रही हूँ। एक चुटकी नमक, आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग भी डाल सकते हो नमक, ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी हम पहले से ही नमक डाल चुके हैं। 1 टीस्पून टमाटो केचप और थोड़ा सा ग्रीन चिली सॉस, 1/2 टीस्पून सोया सॉस और 1 पैकेट शेजवान चटनी। शेजवान चटनी का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है। मैं जब भी हनी चिली पोटैटो बनाती हूँ तो उसमें शेजवान चटनी ज़रूर डालती हूँ ये वाली, तो उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसका। इसे थोड़ा सा चला के मिक्स कर लेंगे और अपनी स्माइलीज इसमें ऐड कर देंगे। स्माइलीज को भी थोड़ा सा स्टर करके मिक्स कर लेंगे सॉस में, एंड यू आर डन।